subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मुंबई चैंबूर में सोहेल नाम के टैक्सी ड्राइवर की मौत का मामला गरमा रहा है। परिवार का आरोप है कि पुलिस कस्टडी में मारने की वजह से सोहेल की मौत हुई। दो दिन पहले पुलिस सोहेल और उसके मामा को लेकर गई थी। अब परिवार AIMEM के नेता वारिस पठान के पास गए। देखिए क्या कहा परिवार और वारिस पठान ने। संवाददाता अतीउल्लाह खान की रिपोर्ट। मेरे पास इस वक्त ऑफिस में हमारे चेंबूर में RCF पुलिस स्टेशन में जो परसों के रोज एक घटना हो गई थी, जिसमें एक सोहेल नाम का लड़का 26 वर्षीय जिसको घर से उठा के ले गई थी RCF की पुलिस। ये उनके मामा है, ये इनके भाई है, ये इनकी तीनों बहनें हैं। यहाँ पर जो एक टैक्सी ड्राइवर था, पुलिस सस्पिशन के तौर पर सोहेल को और इनके मामा तैयब को ले गई। पुलिस स्टेशन में गए, उनके साथ मारम पिट्टी हुई। अब एक दिन बाद वो लड़के का देहांत हो गया। कल पुलिस वालों ने उनको नारियलवाड़ी कब्रस्तान में दफना भी दिया। आज ये पूरा परिवार आया है। परिवार का ये मांग है कि वहां पर हुई है कस्टडी में उसकी डेथ, जबकि इसके मामा का कहना है कि मैं बोल रहा था कि मत मारो, फिर भी उसको मारा, उसकी कस्टडी में डेथ हो गई। तो मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर से बात की है कि इस केस की पूरी तरह छानबीन की जाए। मैं लेटर भी लिख रहा हूं कि जो भी इन्वॉल्व है इस जवान बच्चे की मौत में, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी हमारे राज्य में, देश में बढ़ रही है। इसको रोकना है, किसी को पावर नहीं है कि किसी की जान ले। हम अदालत में भी जाएंगे, जो भी लीगल कोर्स होएगा हम लेंगे, मगर इस लड़के के घर वालों को न्याय दिलाएंगे। ये मेरे पास आए, मैं आपके माध्यम से तमाम को जानकारी देना चाहता हूं कि MIM पूरी तरह जुडिशियल कस्टडी में जो डेथ हुई है बच्चे की, उसकी इंक्वायरी करेगा और इंसाफ दिलाएगा। आप खुद सुनिए, ये जो उनके मामा है उसके साथ में दोनों को ले गए थे पुलिस वाले घर से, आप इनके मुंह से सुनिए क्या हुआ था। बोलो सर। ऐसा है कि दो पुलिस वाले मेरे घर पे आए, आने के बाद दरवाजा ठोका, बोले मैं पूछा कौन, तो बोले मैं हम पुलिस वाले। मैं कहाँ से, बोले RCF चौकी से। क्या काम है, तो बोले तुम्हारे घर का रिसर्च करना है। मैं बोला क्या वजह, बोले हमको ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि इस घर के अंदर कुछ दो नंबर का इलीगल कुछ काम है। मैं बोला ठीक है, सर्च करो। सर्च करने के बाद में ऐसा हो गया, हम लोग को बोला चलो पुलिस स्टेशन। तो बोला सर वजह क्या पुलिस स्टेशन जाने का, तो बोले चलो हमको कोऑपरेट करो, जो भी रहेगा हम लोग उधर बात कर लेंगे। ठीक है, मैं बोला चलो। तो मेरे को और मेरे भांजे को लेके गया पुलिस स्टेशन में, कुछ बातचीत नहीं हुई। फर्स्ट फ्लोर पर लेके जाने के बाद डायरेक्ट चक्की का पट्टा निकाला और पट्टे से मारना चालू कर दिया। बेरहमी से मार रहा था पट्टे से, उसको बीपी का अटैक चालू हो गया था मार के वजह से, उसका पूरा बदन पसीने से गीला होने लगा। तब मैंने ऑफिसर से रिक्वेस्ट किया, सर मेरा सेलफोन दे दो, मैं फैमिली को फोन करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं मेडिसिन मंगाना चाहता हूँ, मेडिसिन इसको मिल जाएगा टाइम पे तो इसकी जान बच सकती है। ये बहुत हद से ज्यादा हो गया, क्योंकि उसका राइट हैंड जो है आकड़ी आने के चश्मे, मतलब पैरालाइज सिस्टम हो रहा था। तो मैं डर गया, मैंने ऑफिसर को बोला आपको क्या चाहिए, तो बोले पटेल को बुला। तो मैं बोला पटेल को बुलाओ, तो ठीक है मैं पटेल को बुला लिया, मतलब फोन करके मैंने पटेल को बुलाया। और उसको मैंने और एक फोन किया जो मेरी भांजी को, जिसके लिए मेडिसिन के लिए, तो मेडिसिन लेके आया, मेडिसिन खिलाया उसको और वो सो गया वहां पे। और जो सो गया उसके बाद और उठा नहीं, उस सोने के बाद भी वो लोग उसको मारे। मारने के बाद मैं डर गया, मैं बोला अभी तुम बोलो क्या चाहिए तुम। तो पटेल को बुलाने के बाद मालूम पड़ा कि 2,20,000 रुपए का डिमांड किया। मैं मार बचाने के लिए मैं एग्री हुआ, बट 2,00,000 का एग्री नहीं हुआ, 1,00,000 रुपए में मांडोली हुई। मांडोली होने के बाद मैं 50,000 रुपया मेरा भांजे ने और मेरे दामाद ने दोनों ने मिलके 50,000 रुपया पटेल के हाथ में दिया। पटेल के हाथ में 11 से 12 के बीच में पैसा दिया, तभी जाके हम लोग को 5 मिनट के अंदर रिलीज किया। रिलीज करने के बाद मेरे को कोई पुलिस वाले ने उधर मदद नहीं किया, मैंने अकेला मेरे भांजे को कांधे पे उठा के मैं ग्राउंड फ्लोर में लेके आया, फर्स्ट फ्लोर से लाके टैक्सी में डाला, लेके मैं घर के तरफ गया, घर के बिल्डिंग के नीचे गया। जाने के बाद उसका धड़कन जोर जोर से चलने लगा, तो हम डर गए, इसके लिए हम प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको लेके गए। वहां पे लेने के जाने के बाद में कुछ भी, मतलब उधर वैसा मशीन वगैरह है ही नहीं है, तो उन्होंने क्या बोला साइन में लेके जाओ। फिर साइन में लेके आए, साइन में आने के बाद में MRI वगैरह सब किया, करने के बाद सारे टेस्ट करने के बाद
डॉक्टर हमको ये बताता है कि इसके सर का नस फटने की वजह से जो भेजे में जो ब्लड है वो ब्लड पूरा भेजे में पूरा फैल चुका है। 99% इसका उम्मीद खत्म हो गया है, 1% आप शाम तक देख लो। शाम को ये लोग डायरेक्टली डिक्लेयर देते कि इसका ध्यान तो हो गया। फिर उसके बाद पुलिस वाले ने हमको क्या बोला, ठीक है तुम्हारे को हम कॉपरेट करेंगे, लेके जाएंगे। बट पुलिस वाले ने कोई कॉपरेट नहीं किया। वहां से पीछे के दरवाजे से पुलिस वाले ने उसको निकाल के उसको लेके गया आईसीयू रूम में। वहां से निकाल के जे लेके गया, जे में जाके ऑपरेशन किया, ये किया वो किया, सब पीछे से किया, हमारे सामने कुछ नहीं। फिर बाद में इसको बुला के वो मजिस्ट्रेट के सामने बाकी का काम हुआ, मतलब जिधर जिधर मार लगा था, ये था वो था, वो सब पूरा दिखाया। उसके बाद में हमारे से बात ऐसी हुई कि हम तुम्हारे को लल्लू भाई लेके नहीं जाने देंगे बॉडी। ठीक है, मैं बोला डॉक्टर रोड में हमारा एक रूम है, वहां पे कम से कम हमको थोड़ा टाइम के लिए दे दो, 10 मिनट के लिए हम वहां लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे सारे परिवार वहां पे बैठे हुए हैं। तो वो भी वो लोग ने नहीं किए, पीछे के पीछे पीछे लेके जाके वो लोग ने डायरेक्ट जैसे से अपना सोनापुर लेके चले गए। और वहां जाने के बाद भी ये लोग ने बहुत जबरदस्त जुलूम किया, पब्लिक के ऊपर लाठी बरसाए, बहुत कुछ किया, फिर भी वहां पे मैंने कॉपरेट किया। तो मैं यही चाहता हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। और आज मैं वारिस पठान साहब के पास मैं आया हूँ इसके वजह से कि मेरे को इंसाफ चाहिए, कि आज मेरे साथ हुआ, आज मेरा जवान बच्चा चला गया, और कल को हो सकता है किसी और का जाए या आपका जाए, ये चीज नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे आया। देखिए, इनकी बहने हैं, ये मासूम बहने, आपने सपने सुना कि इन्होंने क्या कहा कि एक मासूम लड़के की जान चले गई। इनकी जुबानी आप सबके सामने है। MIM पूरी तरह से CA महाराष्ट्र को और मुंबई पुलिस कमिश्नर को रिक्वेस्ट करता है कि इस मामले की पूरी तरह जानकारी की जाए और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इंसाफ होना चाहिए। हम इसमें अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगे, मगर पहले पुलिस इस मामले की पूरी जानकारी की जाए, यही मांग लेकर ये लोग आए मेरे पास। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब से और मुंबई पुलिस कमिश्नर से कि इस मामले की इंक्वायरी करें और इस परिवार को न्याय दिलाए। ये इनकी बहने, छोटी छोटी बहने, उसकी शादी हुई थी, 6 महीने हुए अभी उसकी शादी को सिर्फ, और एक जवान लड़का इस तरह से अगर मार दिया जाता है, तो आपने सुना इन्होंने क्या कहा।